नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं सलमान खान के लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर। आपको बता दें कि जोधपुर में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में कुछ और रातें जेल में बितानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि क्योंकि जो जज शनिवार को सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला था, राजस्थान हाई कोर्ट ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने सलमान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपी सैफ अली खान, तब्बू नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था। 3 साल से अधिक की सजा होने पर सलमान को अपनी जमानत के लिए सेंस कोर्ट का रुख करना पड़ा था। सेशंस कोर्ट के जज रविंद्र कुमार शनिवार को इनकी जमानत याचिका पर फैसला करने वाले थे। इससे पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा उनकी ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को तमाम दलीलों के बाद भी सलमान के वकील उन्हें जोधपुर सेशंस कोर्ट से जमानत दिलवाने में नाकाम रहे। सलमान की जमानत टलवाने में विरोधी पक्ष के वकीलों की CJM कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाने की दलील का अहम रोल रहा। मैं आपको और बता दूं कि शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले माना जा रहा था कि सलमान को जमानत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल इसके प्राथमिक कारणों से सब अहम वजह यह मानी जा रही है कि 2 दशक से चल रहे इस मामले में सलमान को ट्रायल के दौरान जब भी समन जारी किया गया वह हाजिर हुए। ऐसे में समझा जा रहा था कि कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के आधार पर सलमान को आसानी से बेल मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको लेटेस्ट वीडियो सलमान के बारे में जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।